इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे OCRG टैक्स फैक्स लिमिटेड के बारे में। अगर हम बात करें इस स्टॉक में 52.90 रुपीस के आज लेवल्स देखने को मिले। मैंने जैसा कि आपको पिछले दिन बताया भी था कि इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी और आपको देखने को मिली भी। अब अगर हम बात करें स्टॉक का जो आज का डे रेंज था वो काफ़ी अच्छा था। स्टॉक में 55.65 रुपये तक गया, बट कहीं ना कहीं हमें गिरावट भी कंटिन्यूस देखने को मिली स्टॉक के अंदर। अगर हम बात करें कि क्या हमें स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए इस प्राइस पर या फिर हमें सेल कर देना चाहिए स्टॉक को, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको एक अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग आप वीडियो ये मिलेगा। अगर हम बात करें स्टॉक के एनालिसिस की, सकते हैं कि स्टॉक में जो हमें एक गिरावट देखने को मिली है वॉल्यूम में वो कहीं हद तक ज़्यादा है। वॉल्यूमेट्रिक कैंडल्स को देखें अपन तो 80,000 रुपये की और 400,000 से अगर कंपेरिजन करें तो वो बहुत एक डाउनफॉल बनता है स्टॉक के अंदर, बिकॉज जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है इन अकॉर्डिंग टू सेलिंग और बाइंग अगर दोनों की बात करें तो। बट कहीं ना कहीं जो इसमें ट्रेडिंग 88 के की उसमें जो हमें डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी है। 77.24% की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है, बट अगर हम पिछले की क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो परसेंटेज वाइज नहीं तो हमें 100,000 पहले मिलती थी, अब हमें 62,000 देखने को मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक गिरावट है और ट्रेडिंग में भी और डिलीवरी में भी चीज़ हमारे पास वो है OCRG का जो जून का हमारा क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। 34.99% की YOY क्वार्टर में हमें गिरावट देखने को मिली, तो स्टॉक में भी हमें कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिलना है। अब अगर हम बात करें प्राइस चार्ट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त में जब इसने डिविडेंड को डिक्लेयर किया उसके बाद गिरावट देखने को मिली, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन बनाया, उसके बाद ऑपरेटर की यहाँ पर एंट्री होती है या फिर स्टॉक का जो रिजल्ट आया जून का उसके बाद भी स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है और वो तुरंत ही डाउनवर्ड ट्रेंड बना लेता है। अब अगर हम बात करें स्टॉक में कंटिन्यूस डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 52 रुपीज़ के लेवल्स पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा जो कि इस पर बनता है। यहाँ पर आप देखें दो जगह पर 52 रुपीज़ के लेवल्स को इसने दो बार अच्छे खासे इंपॉर्टेंस दी है। सो कहीं ना कहीं हमारे पास जो लेवल रहेगा वो है 52 का। अगर ये कल के दिन इसको भी ब्रेक कर देता है, कल के दिन नहीं सॉरी मंडे के दिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वो डाउनफॉल भी ज़्यादा एक तगड़ा सा हो सकता है जो कि अराउंड आपको दोबारा से करीब करीब 49 के लेवल्स को टच करता हुआ मिलेगा। एंड देन अगर वो भी ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है जिसमें इसमें अपसाइड ट्रेंड देखने को मिले। सबसे पहले ये अगर कुछ करेगा तो वो है 52 रुपीज़ के लेवल्स को टच करेगा जो कि यहाँ पर बनते हैं, उसको रिट्रेस कर सकता है या तो अप मूवमेंट दिखा देगा या फिर उसको ब्रेक कर देगा। सो दो चीज़ें हमारे पास कि हमें 52 रुपीज़ के लेवल्स को देखना है, अगर वो ब्रेक होते हैं तो हम इस टाइम सेलिंग भी बना सकते हैं 52 रुपीज़ पर। मैं ये कहूँगा 51.50 रुपीज़ अगर ब्रेक होते हैं तो हमें सेलिंग बना देनी है। अगर 51 रुपीज़ ब्रेक नहीं होते उसके बाद हमें एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलता है तो हम बाइंग करेंगे 51 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा इन द अपसाइड ट्रेंड।